यूपी में मिशन 2022 फतह करने के बाद अब बीजेपी ने 2024 के संग्राम को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन को दुरुस्त करने और 2024 के लिए रणनीति बनाने के लिए 3 दिन मंथन करेगी। चित्रकूट में 29 से 31 जुलाई तक बीजेपी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने जा रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चित्रकूट में 29 से 31 जुलाई तक बैठक चलेगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर में रोजाना 8 सत्र चलेंगे। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार के 12 वो मंत्री शामिल होंगे जो यूपी में निवास करते हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा शामिल हैं। बैठक में हालांकि राज्य मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल की कमी पर भी चर्चा होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने विधायकों और सहयोगी दलों के साथ बैठक की। विधायकों के साथ ही इस मीटिंग में सपा के सभी बड़े नेता भी शामिल हुए। मीटिंग का मकसद था राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर चर्चा। अखिलेश क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर तैयार इस रिपोर्ट में पार्टी के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की थी। इन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में 5 सपा के विधायक होने की बात सामने आई थी। तब पार्टी ने इन विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही थी। इसको लेकर अब पार्टी ने एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश के आदेश के खिलाफ वोट करने वालों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है या सिर्फ अल्टीमेटम देती है। विवादित बोलों के बादशाह असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में कांवड़ियों पर हो रही पुष्प वर्षा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कई कांवड़ यात्रा पर मुसलमानों ने फूलों की बारिश की और शिव भक्तों का स्वागत किया। उन्होंने योगी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं सवाल कर रहे, हम तो कह रहे बहुत अच्छा किए। हम तो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि टैक्सदारों के पैसों से आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। पुलिस के ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया रास्ते में, बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप उन पर रहम कर रहे हैं, हम पर भी तो रहम करिए। ये कौन सा है कि भाई आप वहां पर फूल बरसाएंगे और हमारे घर को तोड़ देंगे आप बगैर नोटिस दिए। उधर ओवैसी के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। पहले तो मैं ऐसे जहरीले बयान की आलोचना करता हूँ। कांवड़िए हों अथवा अन्य किसी प्रकार के तीर्थयात्री हों, हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और सेवा करने वाले में केवल हिंदू नहीं होते, उसमें मुस्लिम भी बहुत जगह सेवा करने वाले लोगों में से होते हैं। लेकिन इस प्रकार का बयान दे करके जो वोट बैंक खड़ा करने की कुत्सित जहरीली कोशिश है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। वही कासगंज में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। घटना सहावर थाना क्षेत्र के अबूपुरा नहर मोड़ की पटरी के पास की है। फिलहाल घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल बदमाश के पास से असलहा, कारतूस, चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं। एक वाहन पे 2 लोग आ रहे थे और हमें देखते ही तुरंत फायरिंग करने लगे, तो रिटालिएशन में जब हमारे टीम ने भी जब फायरिंग की तो एक जो व्यक्ति जो है वो मुठभेड़ में घायल हुआ और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया था। हम लोगों ने एक बाइक, बिना नंबर प्लेट का एक बाइक बरामद किया, एक थमनचा बरामद किया, 2 जिंदा कारतूस और 3 कोके बरामद किए। इसके अलावा पूछताछ। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मामला जानकीपुरम इलाके का है, जहां पति पत्नी और उनकी बेटी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में 3 की मौत हो गई। घर से सुसाइड नोट मिला है, लेकिन अभी भी आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। दरअसल नलकूप विभाग में जेई के पद पर तैनात शैलेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी गीता और बेटी प्राची के साथ जहर खा लिया। आनन फानन में 3 को मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। शैलेंद्र और प्राची को डॉक्टर्स ने तुरंत मृत घोषित कर दिया, जबकि गीता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के नाम मृतकों ने लिखे हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि ये लोग परिवार को धमकी दे रहे थे। पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन दावा किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यहाँ पर इलाज के दौरान पता चला है कि तीनों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु किन कारणों से हुई इस कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी मौके से अभी एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों के नाम भी उसमें उल्लिखित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग हो और क्या कारण रहा है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, किन परिस्थितियों में इसको अंजाम दिया गया, हम इन सभी बिंदुओं पर जाँच अभी चल रही है। वही बलिया कलेक्ट्रेट का एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में एटीएम ऑफिस के सामने जलभराव के बीच में तीन होमगार्ड बैठ गए। बलिया में तेज बारिश के बाद जिला कलेक्ट्रेट के एटीएम ऑफिस के सामने पानी भर गया था जहां पर आमतौर पर होमगार्ड बेंच पर बैठते हैं। मेरठ के मवाना की रहने वाली एक महिला ने खौफनाक सच का पर्दाफाश किया। उसने ये आरोप लगाया है कि नोएडा में पाकिस्तानी शख्स हथियार तस्करी का धंधा करता है, लोगों को पैसों का लालच देता है और अवैध धंधे में फंसाने के बाद उनकी बहू बेटियों के साथ रेप करता है। इस बात की जानकारी पीड़िता ने मेरठ में एसएसपी दफ्तर जाकर दी और न्याय की गुहार लगाई क्योंकि उसका परिवार अब अवैध हथियारों के गोरख धंधे में फंस गया है जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन फर्जी आईडी के आधार पर नोएडा में रहने वाले पाकिस्तानी तस्कर के चंगुल से वो परिवार निकल नहीं पा रहा है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और एलआईयू को भी मामले की जानकारी देने को कहा गया है। थाना मवाना के मोहल्ला तिहाई की एक महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ महोदय को एक प्रार्थना पत्र आज उनके कार्यालय में उपस्थित होकर दिया गया है जिसमें गौतम बुद्ध निवासी उन्होंने अपने ससुरालीजन व कुछ अन्य व्यक्तियों पे आरोप अंकित किए हैं। उन आरोपों के संबंध में संपूर्ण जानकारी कर व पूरी जांच करके उस प्रार्थना पत्र पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करके नगर कोतवाली के पलटन बाजार इलाके में अवैध कब्जे को खाली कराने के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध को देखते हुए पीएसी समेत भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। दरअसल सब्जी मंडी समेत करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिस पर प्रशासन कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलवा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में कब्जा करने वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बागपत में अपने घर से सब्जी खरीदने निकले एक युवक को सांड ने उठाकर पटक दिया जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवक अपने घर से निकलकर सड़क पार कर रहा था तभी सामने मोटरसाइकिल आ गई जिसकी वजह से युवक कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो गया, तभी पीछे खड़े सांड ने युवक पर हमला कर दिया। युवक जब तक कुछ समझ पाता सांड ने उसे सींगों से उठाकर हवा में 5 फीट तक उछाल दिया। युवक सड़क पर गिरते ही उठकर लड़खड़ाते कदमों से भागा। युवक को अंदरूनी चोटें आई हैं। ये घटना बागपत के सबसे बड़े बाजार की है। सर्राफा व्यापारी संजय वर्मा का घर हादसे की जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। वो रोजाना की तरह सब्जी लेने घर से निकले थे तभी मुख्य सड़क पर खड़े सांड ने उन पर हमला कर दिया। बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली इलाके में खाद व्यापारी को लूटने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि परिवार के साथ खाद व्यापारी जा रहा था तभी लुटेरे ने जबरन रोक कर 16,000 रुपए छीन कर फरार होने की कोशिश की। तभी व्यापारी के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने लुटेरे को पकड़ लिया और फिर पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। गली में टिहरी पे इन्होंने रोका, हमने बताया। कितने लोग थे? फिलहाल तो एक लोग था और था, फिर इन्होंने हमने 2-4 लोग मिलकर इसको पकड़ा। हमारे पास रुपया था, इन्होंने हमला किया। कितने रुपए थे आपके पास? हमारे पास रुपया थे लगभग 16,000। फिर क्या हुआ? फिर इनको पकड़ा और दिखाया, फिर पुलिस को हमने इनको हवाले कर दिया फतेहपुर। हरदोई के विकास खंड 52 के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूल पोखरी का एक वीडियो वायरल है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में आराम फरमाते दिखाई दे रही हैं और बच्चों को अपनी सेवा में लगाए हुए हैं। तस्वीरों में देखिए एक महिला शिक्षक बच्चों से हाथ दबवाती दिखाई दे रही हैं, जिनका नाम उर्मिला सिंह बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आती हैं या फिर आराम फरमाने,
क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो किसी भी हाल में सही नहीं ठहराई जा सकती। टीचर अगर बच्चों से खुद की सेवा करवाएंगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कब और टीचर पढ़ाएंगी कब। मथुरा में गुरुजी का अनोखा कारनामा सामने आया है। दरअसल शिक्षक का काम होता है बच्चों को सही राह दिखाना, अपने व्यवहार से उनके सामने एक मिसाल पेश करना। लेकिन मथुरा के एक बलदेव ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में इसका ठीक उल्टा हुआ। जब बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने पर एक महिला टीचर छात्र छात्राओं से अपने लिए स्कूल की कुर्सियों से एक पुल बनवाने लगी। बारिश के पानी में अपने कपड़े गंदे न हो इसके लिए मैडम ने बच्चों को पानी में उतरने को कहकर कुर्सियों का एक पुल बनवा दिया और मैडम कहीं गिर न पड़े इसके लिए बच्चे खुद कुर्सियों को मजबूती से पकड़े रहे। स्कूल में भरे पानी के बीच कुर्सियों का पुल बनवाकर टीचर को निकालने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन जरा सी बारिश में स्कूल में पानी भर जाता है, लेकिन इस ओर न तो ग्राम पंचायत ध्यान देती है और न ही अधिकारी ध्यान देते हैं। लोग बल्लेव के गांव रेटा के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्कूल आने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सारा स्टाफ और बच्चे बहुत परेशान हैं और ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। कई बार विद्यालय द्वारा संज्ञान में एबीएसए और लॉक पर भी दिया जा चुका है। सरकार सरकारी अस्पतालों को सुधारने की लाख कोशिशें करे लेकिन लापरवाही के चलते कोशिशें नाकाम साबित होती दिखती हैं। अब आप फरुखाबाद के कमालगंज के सिगी रामपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां बिना डॉक्टर की सलाह के मरीजों का इलाज हो रहा है, यहां तक कि बच्चों को भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। जहाँ यह सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से अपना अस्पताल चला रहे हैं, ना तो इनके पास कोई कागज है ना ही इनका रजिस्ट्रेशन है, और ये इस तरह से हैं। कई सारे मरीज रोजाना सूचना मिली है, 100 से अधिक मरीज देखे जा रहे थे और जो बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है, और ये मरीजों की और जनमानस के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से हमें आदेश आया कि तत्काल इसको अस्पताल को सील कराया जाए। आगरा में कुत्तों की दहशत देखने को मिल रही है। कुत्तों के हमले से एक 10 साल की मासूम गुंजन की मौत हो गई। बीते सोमवार यानी 25 जुलाई को मासूम बच्ची को कुत्तों ने काटा था। गुंजन के शरीर पर करीब 36 जगहों पर घाव के निशान थे। आनंद फानंद में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में करीब 5 घंटों तक ऑपरेशन चला। बच्ची के शरीर पर करीब 50 से ज्यादा टांके आए थे। हालांकि इसके बाद भी बच्ची की जान नहीं बच पाई। दूसरी तरफ बच्ची के परिजनों ने इलाज में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। आगरा में ही बारिश के बाद जंगली जानवरों के घरों में घुसने का सिलसिला जारी है। नया मामला ताजमहल के करीब सामने आया है, जहां ताज पूर्वी गेट के पास होटल की पार्किंग में खड़े ई रिक्शा के बैटरी पैनल में 8 फीट लंबा अजगर घुस गया। जब ई रिक्शा चालक ने अजगर को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। आसपास खड़े पर्यटक भी दहशत में आ गए। मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ SOS रैपिड रिस्पांस यूनिट ने विशाल अजगर को सावधानी से बाहर निकाला और उसे कब्जे में ली। बहराइच के थाना सुजोली इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अगवा करवा लिया, लेकिन लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई कि लड़की को बाघ उठा ले गया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अगवा लड़की को प्रेमी के चंगुल से छुड़ाने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस के मुताबिक DFO और CO के रिपोर्ट में किसी जानवर के निशान नहीं मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच दूसरे एंगल से शुरू की। तब जाकर पुलिस को राम सूरत मौर्य के घर से लड़की बरामद हुई, जबकि उससे पहले हाथी और ड्रोन की मदद लेकर लड़की की खोजबीन जारी थी। थाना सुजली क्षेत्र में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी बच्ची को बाघ उठा कर ले गया है।
इस सूचना पर पुलिस टीम, वन विभाग और एसएसपी की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने लड़के की तलाश के लिए कॉम्बिंग करना शुरू किया। लेकिन आरंभिक समय में ही फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यह कहा गया कि वहाँ पर कोई भी फुटप्रिंट्स के निशान नहीं हैं बाघ के, तो इस घटना जो है यह घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। शाजापुर के थाना तेलहर क्षेत्र के पिपरौली गांव में जलती चिता से सिर गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने गोपी और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि तंत्र विद्या सीखने के लिए एक तांत्री ने जलती चिता से सिर लाने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को सिर के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी तांत्रिक की तलाश जारी है।